पांच स्टॉक मेरे सॉफ्टवेयर पे आए दोस्तों आज, जिसमें हमने कमाई किया आपको भी बता दूं और अभी भी कमाई करने के लिए तैयार है। ये आपको जो जो भी स्टॉक्स हैं अगर आपके पास है तो ज़रूर इस पे अपने रडार पर रख लीजिए। कौन सा स्टॉक है वो भी हम आपको बता दें। एक है आपको JTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, JTL इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड, एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड, लेकिन ये 901 रुपये का स्टॉक्स है और ये बढ़िया स्टॉक आपको लगभग 7 से 8% 10% तक भी प्रॉफिट करा सकता है। JTL इंफ्रास्ट्रक्चर 20% तक प्रॉफिट करा सकता है। और शिवा सीमेंट, 58 रुपये का ये सीमेंट है दोस्तों, 58 रुपये का सीमेंट, ये कभी भी 580 रुपया हो सकता है, ये भी जान लीजिए आप। चलिए उषा मार्टिन 193 रुपये का स्टॉक्स है, ये भी आपको ज़रूर अपने रडार पर रखना चाहिए। और अल कार्गो 491 रुपये का स्टॉक है, ये भी आपको 10% तक प्रॉफिट करा सकता है जी, अपर सर्किट लगा सकता है। रेल विकास निगम लिमिटेड, ये तो आपको सुबह ही बताए थे। रिको ऑटो लिमिटेड 91 रुपये का स्टॉक्स है। और PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज जो 16.95 रुपया का स्टॉक आज के डेट में काम कर रहा है, 5% तक प्रॉफिट करा सकता है। और इंडो स्विफ्ट लिमिटेड 67 रुपये का स्टॉक है, ये भी 5% का प्रॉफिट करा सकता है। विष्णु केमिकल्स लिमिटेड 284 रुपये का स्टॉक है, ये भी 5% का। और अशोका बिल्डकम 90 रुपये का स्टॉक है, 5% का प्रॉफिट ये भी करा सकता है। जितने भी स्टॉक से नाम बताएं, लगभग 5% का प्रॉफिट नहीं कराए तो 4% का प्रॉफिट बुक कर निकल जाइए दोस्तों। एडेलवेस फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़िया स्टॉक आजकल काम कर रहा है। और लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो आपको मैं बता चुका इस वीडियो में, जितने भी स्टॉक का नाम बता रहा हूँ सभी के सभी स्टॉक आज आपको सब मिलकर कम से कम 200% का प्रॉफिट आज कमाई ये वीडियो कराएगा दोस्तों। ये वीडियो आज 3 मिनट का, ये वीडियो 200% का कमाई कराएगा सुबह से शाम तक, 100% गारंटी है। अगर नहीं कराया तो मैं चैनल को बंद कर दूंगा दोस्तों। अगर ये वीडियो 200% का प्रॉफिट नहीं कराया तो ये वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट कीजिए, चैनल को बंद कर देंगे। ये 3 मिनट का वीडियो आज चैलेंज है, चाहे कोई भी दुनिया का ताकत हो जाए दोस्तों, कमाई 200% करनी है इन सभी स्टॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। जय हिंद।